उसकी हर दुआ कबूल है, वो तो ममता का फूल है। शायद इसीलिए भगवान से भी ऊपर आती है माँ, एक सच्चा दोस्त कहलाती है माँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूनम सचदेवा और आप सभी का स्वागत है दिल से दिल की बातें के इस खूबसूरत एपिसोड में। माई डियर फ्रेंड्स, ऑल दैट आई एम और होप टू बी आई ओ टू माई एंजल मदर। तो इस मदर्स डे स्पेशल पर हो जाए एक खूबसूरत कहानी माँ की। माँ रसोई में कुछ काम कर रही थी, तभी उसके 12 साल के बेटे ने आकर उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा थमा दिया बिना कुछ बोले। उस कागज में लिखा था, अपना रूम साफ करने के 100 रुपए, आपके काम से बाजार जाने के 100 रुपए, छोटी बहन का ध्यान रखने के 100 रुपए, घर का कचरा घर से बाहर फेंकने के 50 रुपए और लॉन की घास काटने के 50 रुपए। कुल हिसाब हुआ 400 रुपए। तो बेटे ने पूरे हफ्ते में जो भी काम किया था उसका हिसाब लाकर माँ को दे दिया। माँ ने उस कागज को पढ़ा, नजर उठाकर बेटे को देखा, कुछ सोचने लग गई। उसके बाद उसी कागज को पलटकर उस पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। लिखने के बाद बेटे को थमा दिया। उस पर लिखा था, तुम्हें 9 महीने कोख में रखा, उसकी कीमत कुछ नहीं। जब तुम छोटे थे, बीमार हो जाते थे तो रात रात जागकर तुम्हारी सेवा की, उसकी कीमत कुछ नहीं। घर का काम फटाफट निपटाकर सारा दिन तुम्हें पढ़ाने की कीमत कुछ नहीं। तुम्हारे कपड़े, जूते, टॉयज, किताबें, खाने पीने की चीजें, उनकी कीमत कुछ नहीं। और इसके अलावा तुम्हारी हर गलती के बाद तुम्हें प्यार करने की क्या कीमत दोगे बेटा, बोलो। पढ़ने के बाद बेटे की आंखों में आंसू आ गए, बोला, सॉरी माँ, आई लव यू सो मच माँ। माँ, माँ वो है जो हमारी हर गलती के कुछ पलों बाद ही हमें माफ कर देती है। वो माँ ही होती है जब हम लो फील करते हैं तो हमारा मजबूत सहारा बन जाती है। चाहे हम 10 के हो, 20 के हो या 50 के हो, माँ का प्यार कभी नहीं बदलता है। कुछ लोग सोचते हैं हमें प्यार करना, हमारे काम करना तो माँ की ड्यूटी है, और कुछ लोग जब तक खुद पेरेंट्स नहीं बन जाते अपने माँ के एफर्ट्स को समझ नहीं पाते हैं। सो बेटर लेट देन नेवर, इससे पहले की देर हो जाए कह दो अपनी माँ को, थैंक यू माँ, आई लव यू माँ। रहता है किस्मत में हमेशा सवेरा, कभी रात नहीं होती है। हर काम खुद ब खुद बन जाता है जब माँ की दुआ साथ होती है। हैप्पी मदर्स डे माँ, आई लव यू सो मच, एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द ब्यूटिफुल मदर्स इन दिस यूनिवर्स। माँ दिखती तो है जिस्म के बाहर सदा, पर माँ है हमारी रूह में मौजूद बेपनाह हौसला। बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना अगर अभी तक नहीं किया। लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। लव यू ऑल।